we can accept them. आज से बस स्टार्ट वर्किंग डेज फर्स्ट डे मंडे जा रही हूँ कॉलेज के लिए. मैं कह चलो बस सब निकलूँ अब बस आज से शुरू दोबारा. एक लंबा हफ्ता 5 दिन काम पे जाना. चलते हैं फिर. अभी अभी आई हूँ मैं कॉलेज से और कॉलेज से आते ही अब मैं सोच रही हूँ कि ना लॉन्ड्री कर ली जाए, तो इसलिए मैं ना मशीन की तरफ जाती हूँ, मशीन की सच्ची से निकाल लूँ, फिर हम जाते हैं मशीन लगाते हैं. ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं मशीन लगाने के लिए मुझे, तो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं, सर्फ, कम्फर्ट एंड डिटॉल. तो ये मैं लगा दूँगी. आर्थिक के साथ ही लॉन्ड्री क्यों कर रही हूँ, ताकि जब तक मेरी मेड आए तो तब तक ये वाला काम भी सिमट चुका हो, ताकि वॉशरूम जिसमें इसका पानी ड्रेन होता है वो भी वो धो के साफ करके अच्छे से चली जाए. फिर ये तल गया सब कुछ. ये जो थोड़ा सा एक्सेस है इसको हम इसे इन गद्दे कपड़ों से ही सफाई कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो नहीं है. अब ये लग गई मशीन. अब चलते हैं दूसरी तरफ. हाँ, सोच रही हूँ अफ्तारी नहीं बनाऊँ, तो आज बनाऊँगी मैं हलीम. तो मैं बनाऊँगी इससे, शाम का ये जो पैकेट मिलता है इससे बनाऊंगी हलीम. हमें ये एक पैकेट काफ़ी होगा हम दोनों को, तो बस इसकी तैयारी करती हूँ. तो इस पैकेट में निकलते हैं ये 2 पैकेट. कुछ अजीब हो गया, यानी इस डब्बे में निकलते हैं ये 2 पैकेट. एक में होते हैं ये सारे ग्रेन्स, इनको मैंने सोक कर दिया है, और ये वो मसाला है जो हमें गोश्त में डाल के पकाना होगा. तो ये जब करेंगी तो फिर दिखा दूँगा. क्या है, ऑयल गरम, मैंने डाला है ये लहसुन अदरक का पेस्ट. ये गोश्त और मसाला भी ऐड हो गया. गोश्त मैंने धो के पैकेट बना के रखे हुए थे, तो अब ये खुद ही इस फ्लेम पे खुल जाएगा. बस थोड़ा सा मसाला भुन जाए तो मैं इसमें पानी डालती हूँ. गैस ना होने की वजह से ये शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रिक स्टोव पे. अभी आराम से इसमें पानी वानी डल गया, अब ये पक जाएगा आराम से. तो फिर इसमें थोड़ा सा बस ये खुल जाए और थोड़ा सा ये कर जाए, तो फिर मैं इसमें बाकी ग्रेन्स ऐड करती हूँ. सारी ये वाले सारे काम तो हो गए. हलीम चढ़ गया, हलीम का यानी गोश्त चढ़ गया, घर साफ हो गया जो मेरा करने का काम था, बाकी काम तो जिनका है वो कर रहे हैं. अब मैं ये सोच रही हूँ कि अपना मास्क वगैरह पढ़ लूँ, ताकि फिर मैं इनका भी काम हो जाए, फिर ये जाएंगे थोड़ा आराम कर लिया जाए. Later that same evening. ये कुछ ऐसा हो गया है, तो मैं इसको मैंने बंद कर दिया था. तकरीबन 1:30 बजे चढ़ाया था और 4 बजे के करीब इसको मैंने बंद कर दिया था. अब सब गल चुका है, अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी. ये देखें जी, ये हो गया ग्राइंड. अब बाकी ये है कि ये बाकी मैं इसको पकाऊंगी तो ये ठीक होगा. ये देखें जी, ये हो गया मेरा पूरा हलीम ग्राइंड. अब ये थोड़ा सा पकेगा. मैं इतने में इसमें ज़रा सा ना हरी मिर्ची डालती हूँ, नमक डालती हूँ और पिसा गरम मसाला डालती हूँ. उसके बाद इस पर बघार लगाते हैं.
ये जी मैंने गरम मसाला भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, मिर्चें भी डाल दी हैं। अब ये थोड़ी देर पकेगा, इतनी देर हम असर की नमाज वगैरह अदा कर लेते हैं। 20 minutes later. चल भैया, पूरे रमज़ान अफ्तारी किए, पूरे रमज़ान क्या 11 अफ्तार हमने जो है ना अफ्तार ही किए, लेकिन आज जो है ना वो होम मेड हलीम, तो हम हलीम और चाट के साथ आज अफ्तार करेंगे। चले देखते हैं। वैसे हलीम मरियम जो है ना वो अच्छा बनाती है। बाकी घर के हलीम का जो है ना वो मज़ा अलग है। अब बाहर कितने भी हलीम खा लो, लेकिन जो घर के हलीम का टेस्ट है ना। अच्छा एक ये मत भी है कि इस पैकेट से सही नहीं बनता, लेकिन हम तो पैकेट वाला बनाते हैं, अच्छा पैकेट वाला हलीम है, जल्दी में वही बन सकता है, लेकिन मज़ा आ गया आज इतने दिनों के बाद अफ्तारियाँ तली तली चीज़ें खा खा के दिल भर गया, तो आज मूड चेंज हो गया। बस ये है कि थोड़े अपने स्पाइसेस ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन हलीम अच्छा है। Few moments later. कल जैसे मैंने एक्सफोलिएट किया था, तो उसके लिए आज फिर जो है मैंने तरावी जाने से पहले अपना चेहरा अच्छे से क्लेंस किया है, वही 3 स्टेप रिपीट किए हैं। अब मैं सिंपल ना इस पर रेटिनॉल अप्लाई करूँगी। ये रहा मेरे पास ऑर्डनरी का ही रेटिनॉल है, ये मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, इसके बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करूँगी। बस एक्सफोलिएट के नेक्स्ट डे ये स्किन केयर होती है मेरी। डन, अब ये हो गया मेरा आज की भी रात की स्किन केयर। अब बस जाएंगे तरावी पढ़ेंगे, तरावी पढ़ने के बाद आगे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। क्या हो रहा है? हाँ। तरावी की तैयारी? जी जी मैंने कर ली। हाँ वजू कर ली, तो बस फिर आके देखते हैं क्या करते हैं फिर।